मान का गिफ्ट आ गया। वाओ देन ओह आपने डाल दी तीनों लॉलीपॉप और बनने के लिए रख दी है बिरयानी। हरी मिर्ची खाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? हम सब ठीक हैं। बच्चे चले गए स्कूल, आज है मंडे, तो करते दिन की शुरुआत। तीनों स्कूल चले गए तो मैंने आज जोर लगाकर सारे घर की सफाई कर दी। मैंने कहा टेंशन नहीं, अरमान नहीं गया था ना दो तीन दिन से, तो चार पांच दिन हो गए, बीच में वीकेंड आ गया, तो आज मैंने सारा घर क्लीन कर दिया और मैं फ्री हो गई। आज मैंने बाल भी धोए, बहुत चिपके चिपके से हो गए थे, ऑयली साफ हो गए हैं। और अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग करने, वो भी नहीं गए, वो लेकर आएंगे। और उसके बाद अरमान का आज गिफ्ट आएगा जो मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी। एक्चुअली उसके बर्थडे पर आना था पर आया नहीं, तो बहुत ऐसे फील हो रहा था ना कि बच्चे को कुछ नहीं दिया बर्थडे पर आज आ जाएगा तो आप लोगों को दिखाएंगे और अरमान भी खुश होगा मेरे को लगता है। खाना बन गया, मैंने सुबह ही रख दी थी सब्जी बनने के लिए, पूरी बन गई। अभी मैं बनाती हूँ एग और फिर साहब को ब्रेकफास्ट करवाते हैं। कपड़े मैंने धो दिए, आज बाहर सुखाएंगे, मौसम दो तीन दिन से अच्छा है। खाना हो गया रेडी, अंडा है, सब्जी है, ये साहब की है, करते हैं ब्रेकफास्ट। डाल के रखती तो खुद लेके आते हैं। हेलो गाइस, कम करने की कोशिशें चल रही है, आई होप कि कम हो जाए। हम लोग ज्यादा चलते फिरते नहीं ना, इसलिए मेरे को तो लगता है भूखे ही रहना चाहिए। सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए। करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं वेट करती हूँ और मान का गिफ्ट आएगा ना, उसके बाद बाहर जा सकते हैं। मैंने सोचा था पहले जाएंगे पर पीछे से आगे कौन लेगा, आदमी चला जाएगा, पहले इतने दिन हो गए हैं। अलीजा आ गई है स्कूल से। हाँ, इसने अपना लंच कर लिया। अभी अरमान के लिए ना हम गिफ्ट्स रेडी करते हैं। ये हम बैग लेकर आए थे, अरमान की क्लास में 15-16 जने हैं बेटा, दो बड़े ज्यादा बना देना, 18 बना देना। एक एक हम ये कुकी डालेंगे और एक एक ये खिलौना। तो गाइस हम ये पहले खुलेंगे, हाँ पहले लिख दो ना यहाँ पर के ऊपर अरमान नहीं लिख दो, फिर पता चलेगा किसका बर्थडे है। और ये लॉलीपॉप, और मैंने क्या लिया, बलून्स लिए थे, वो तो मेरे को लगता है कि अरमान ने ना एक एक ये वाले खिलौने लिए थे, छोटे छोटे टेडी बेयर, ये देखिए ये लिए थे और एक ये लिया था मच्छी। हाँ ऐसे लिख दो, चाहे छोटे पेन से भी लिख सकते हो। ऐसे अच्छा। और ये लिए थे इतने मम्मा हैं, इतने सारे फिर बच्चे हैं बेटा, बच्चों को तो देना ही पड़ेगा। वाव, और माँ का फाड़ना नहीं बेटा, पहले तो सब पर लिख दो बेटा, फिर हम एक बारे खोलेंगे, पता अरमान का कुछ पता नहीं, अरमान ने क्या कर देना शेर। अरमान ये क्या है, बर्थडे वाला टाइगर है क्या? आपको मिलेगा मिलेगा बेटा, मिलेगा मिलेगा, एक दे दूं आपको? हाँ हाँ देती हूँ, हाँ देती हूँ। टीचर के लिए तो मैं लेके आऊंगी चॉकलेट, थोड़ी देर बाद जाएंगे, पहले ना ले लो। करो आप भी करके दिखाओ। करो करो करो, अलीजा लिख रही है। हाँ अलीजा जल्दी से लिख दो बेटा, अभी आपका टाइम है 15 मिनट, फिर बाद में मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। और ये किसने लिया था? मैंने, ने अवली ने खरीदा था। चलो मैं खोलती हूँ। अरमान आप ये भी ले सकते हो बलून, एक बलून आपका बचा है, ये ले लो। चलो बर्थडे नहीं खत्म होने को आ रहा। अरमान का है, अरमान क्या लेना? हेल्प मैं करती हूँ आपकी हेल्प। नहीं वो सब फ्रेंड्स के आपके नहीं है, आप तो खराब कर दोगे बेटा।
उधर है पर्पल कलर का, अरमान डालने नहीं देता है ना। हाँ ये अरमान है ना, बलून बलून इधर ही था, अरमान ने नीचे गिरा दिया। एक ये डाल देते हैं, एक ये दे दो, अरमान सारे खराब कर देगा, सब तो नए लाने पड़ेंगे। अच्छा था अरमान स्कूल चला जाता, अब ये अरमान रो रहा है। हाँ जल्दी से डालो बेटा, एक खिलौना डाल देते हैं, ये एक लॉलीपॉप भी डाल देते हैं। उधर है ना, इधर देखो ये रहा, जरूरी तो जो मम्मा ने लेना वो ही लेना। और एक और लॉलीपॉप, चार चार चीजें हैं बेटा, लॉलीपॉप एक। ये खोलो फिर कैंची से काट दो, जल्दी से बना दो बस, देखो मत। अरमान आप बाहर जाओ, मुंह से फाड़ू मैं सारे, नहीं खराब करने पुत्र, दुकान पर नहीं। कैंची दो बेटा, नहीं दे दो, एक मुझे चाहिए। नहीं कितने प्यारे हैं, हो गया अरमान का ना एक बैग। मुझे भी चाहिए, दे दो डिब्बे में रख, मुझे भी चाहिए पूरे करके। चल आपने डाल दी तीनों चीज, एक एक दी, एक लॉलीपॉप, लॉलीपॉप तो डाल दी सब। ओके ठीक, चलो जल्दी से बना के रखते। आप लोगों ने कहा था दीदी मिंट को ना भिगो कर रखो, और फिर वो आई तो मैंने कहा चलो आज मैं ताजा जो मिंट लेकर आई थी ना उसकी ऐसे पत्ते उतार लेती और फिर उसको पानी में रखूंगी जैसे आप लोगों ने बोला, तो फिर देखते हैं मिंट आता है कि नहीं। आई होप आ जाए इस बार, मैंने बहुत ट्राई की है, अब जैसे आप लोगों ने कहा मैं वैसे ही करूंगी। बाकी कद्दू आ गए हैं, बैंगन के भी हो गए हैं, टोमेटो भी आ गए हैं। हाँ अरमान मैं खोलती हूँ गेट, अरमान इतना शरारती है ना, उसने अपने गिफ्ट नहीं बनाने दी, इतना तंग किया ना। अभी मैंने कहा पापा आ गए, फ्री हो के थोड़ी देर पापा के पास रहो, इतने में मैं मेरा काम कर लूंगी। पर आ गए, हाँ हाँ खोलती हूँ खोलती हूँ, जान खोलती हूँ, अंदर आ जाओ भाई, बाहर नहीं रहना। आजकल खुद ओपन भी करता है, मेरे को डर भी लगता है, पर लॉक लगता है इसको, मैं लॉक लगा दूंगी। अंदर नहीं आना पापा ने, बाहर ही रहना, रहने दो बेटा। मैंने इसमें डाल दिया, ये थोड़ा सा पानी के अंदर है बस इसकी जड़ें, पानी भी मैंने ज्यादा नहीं डाला, अभी देखते हैं कितने दिन में आता है। थोड़े से पत्ते मैंने ऐसे ही रख दिए, मैंने कहा कोई बात नहीं, ये गर्म है हाँ इसलिए भाग गया। अभी कहता मम्मा मैं आपकी हेल्प करता हूँ, फूक मारो। हाँ अभी अभी धो लिया ना, गर्म है ना, उठा नहीं सकते, कोई बात नहीं बेटा, धीरे से उठाओ। आओ पेन हो गर्म गर्म गर्म, थैंक यू, दे दो फिर, डर भी लगता है, और क्या दे रहे, गिलास दे दो। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो चलो। अरमान छोटा सा पर काम बहुत करता है, थैंक यू अरमान, थैंक यू बाबा, अरमान इज गुड बॉय ना। हाँ सारे ये रोता है, अगर नहीं कह मैं आ करती हूँ तो कहता मैं नहीं करना है मम्मा। ओके थैंक यू थ्री, अरमान का गिफ्ट है, चलो भाई अंदर लेकर चले, तो बहुत भारी है, कैसे उठाऊ मैं अरमान, आ जाओ जोर लगाओ, आ जाओ आज गिफ्ट है आपका, अब लेकर चलेंगे गिफ्ट आपका, अरमान आ जाओ आ जाओ आ जाओ आज आप ये लेकर जाना बाहर। अरमान का गिफ्ट आ गया, कब से वेट कर रही थी मैं, अरे इतना बड़ा अरमान को पता नहीं है क्या है, अगर अरमान को पता चल जाए। अरमान ओपन करते, आ जाओ अरमान से ओपन करवाते, अरमान आ जाओ आ जाओ, गिफ्ट गिफ्ट आ जाओ आ जाओ, खोले इसको, कब से वेट हो रहा था इसका, अभी इसको बनाना पड़ेगा ना, तो मैं चक्कू लेके आती हूँ जल्दी से। आ गया अरमान भाग कर, आ गया आ गया अरमान आ गया, चुपके चुपके चुपके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ अरमान, देखो क्या क्या है उधर, देखो ओ ओ वाह,
ये क्या इतने बड़े टायर? अरे वाह, अरमान का स्कूटर तो बड़ा प्यारा है भैया। खुश हो गया अरमान? बोलने वाला है ना, इसको चार्ज करना पड़ेगा फिर अरमान तो रोएगा। चलो बना लो, आप बना लो, मैं और अरमान बाहर जाते हैं। ओके, बुक पढ़नी है। ये क्या? पीपी और मार गिरेगा बेटा। नो, मत बैठो बेटा, पहले टायर तो लगाने दो उसके। गाने देखो, अब गाता देखना, कोई चीज मिल जाती खुश हो जाता। अरमान बेटा बहुत वेट किया था आपके गिफ्ट। चलो भाई चलो, अब अरमान बड़ा हो गया तो चलाएगा। हाँ हाँ, अरमान का तो मैंने लगाना, टायर लगाओ बेटा लगाओ। बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके, और नीचे तो है बेटा, एक ही लगाना है। ध्यान से बना दे। हम लोग बाहर जा रहे थे माँ बेटा, तब आदमी आ गया, अब ये बाहर भी नहीं जाता। अब कहता जल्दी से बना कर दो और मैं जल्दी से इसको चलाऊं, पर टाइम तो लगेगा बेटा। क्या है अरमान, आपका स्कूटर मोटरसाइकिल आया है? हाँ, आप टायर के साथ ही खेल लो बेटा। अरमान तो इतना हो गया ना एक्साइटेड, कहता है मेरे को चलाना, हमने ऊपर रख लिया इसको। अब 2 मिनट वेट कर लो बेटा, सब लग जाएगा, सब लग जाएगा। मुझे ये मिल गया, मैं बिल्ली बनाऊंगी। इधर मत खिलाना बेटा, पहले ही बहुत खिलर गया। क्लोज योर आईज, 1, 2, 3, 5, 6 7, 8, 9, 10 Open your eyes. बैठो, ऊपर शूज तो पहन लो बेटा, शूज डालो, फिर चलाएंगे हम। इधर मत, इसको बताना साहब, बाहर जाके बताना कैसे चलता है। अब अलीजा को तो गाड़ी मिली थी, पर गाड़ी ना थोड़ी सी मुश्किल होती है बच्चों के लिए, फिर इनको स्कूटर भी, हाँ स्कूटर भी था ना दोनों के पास, इनके पास भी था स्कूटर, 2-3 गाड़ियाँ थी अलीजा अवलीन के पास और स्कूटर। अरमान का ये पहला है, अभी देखते हैं अरमान को पसंद आया कि नहीं, पर ज़्यादा वेट नहीं रख सकते इसके ऊपर ना। अलीजा अवलीन के स्कूटर के ऊपर कोई लड़की चढ़ गई थी। साहब ने इतने तेज वाला ले दिया ना। अरमान रुक, अरमान तो रेस लगाता है भाई, पीछे भागो। चलो थोड़ी देर इसको सीधा तो चलाओ, उसको तो 1 मिनट में आ गया अरमान। आगे देखो, वाह भाई वाह, मम्मा को भी बिठा कर ले जाओ, है अरमान, मम्मा को ले जाओ, बाय बाय बाय। इतना लड़का खराब है ना ये, ना थोड़ा सा पता नहीं नीचे लगता है कुछ, और मान करता है। ओए बंद भी करता, फिर ऑन करता, अब नहीं चलेगा बेटा, पहले उसको ऑन करो। हाँ चलो अब, अरमान इतना तंग कर रहा है ना, अभी मैं तो थक गई हूँ फ्रेंड्स, शाम के 7 बज गए हैं, मेरे में तो दम नहीं है अब जो मैं इसके पीछे भागू, इतना तेज चलाता है ना बस। बाय, अपने आप रोकता, अपने आप ब्रेक लगाता है, जैसे इसको पता है कि कैसे चलता है साहब, है ना।
आज हम बनाएंगे चिकन फिले विद राइस। तो मैंने इसमें डाल दिए सारे मसाले, चिकन, दही, भुना हुआ जीरा और डाला मिंट, धनिया। अभी हम डाल देते हैं लहसुन। बनाएंगे बिरयानी जैसे बनाएंगे चिकन फिले। ये मैंने डाल दिया। अभी इधर ना प्याज फ्राई हो रहे हैं, हम उनको भी डाल देते हैं और फिर खड़े मसाले डालकर चावल डालेंगे बाद में। इनको कर देते हैं मिक्स। थोड़ा सा डालेंगे बिरयानी मसाला, वैसे मैंने सारे मसाले डाल दिए। बिरयानी का टेस्ट आए ना, थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी डालते हैं इसमें। चलो ज़्यादा तेज नहीं बनाएंगे, फिर बच्चे नहीं खाएंगे ना। अभी मिक्स कर देते हैं अच्छे से। थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखते, उतने में हमारे प्याज हो जाएंगे, फिर हम इसको पकाएंगे। देखिए कितना अच्छा हो गया ना। इधर हमारे प्याज, मैंने हमने प्याज कर लिए फ्राई और अभी हम सारे खड़े मसाले डालते। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, ज़ीरा, इसको भूनते हैं और अभी हम डाल देंगे ना इसमें चिकन। कसूरी मेथी रह गई थी थोड़ी सी, वो भी डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं। जितने भी मसाले हैं डालो, बन जाता है, बस सोचो मत। अगर हम आटा लगाएंगे तो फिर बहुत टाइम लगे। इस बार मैं सिंपल बनाऊंगी, सामान सारा वही डाला। अभी हम डाल देते हैं चिकन, उसको पकाते हैं। अभी हम इसको ना भूनते हैं 5-10 मिनट, फिर उसके ऊपर चावल डालते हैं। चावल कच्चे ही डालेंगे, पक जाएंगे। क्योंकि इसको ना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती ना, चिकन फिले बहुत जल्दी बन जाता है। तो आप ऊपर से चावल डाल देंगे ना तो फिर जल्दी हो जाएगा काम हमारा। मैंने चावल डालकर पानी डाल दिया और बनने के लिए रख दी है बिरयानी। धीरे धीरे ये बनती रहेगी और मैं ना आज ये मिर्ची बना के रखूँगी। हम लोग लेकर आए थे, तीखी तो नहीं है पर ना मैं इसको धोकर फिर भी इसमें नमक और हल्दी डालकर थोड़ी सी कर देती हूँ, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी, फेंकनी पड़ेगी। किलो के करीब है, उस दिन मन किया तो ले ली मैंने। तो हम लोग खा लेंगे ऐसे नमक मिर्च डालकर, धोकर ना मैं इसको, तो उसके बाद पोंछ कर फिर इसको करती हूँ रेडी। मैंने मिर्चों को धोकर ऐसे सुखा लिए और इधर मैंने हल्दी और नमक लिया। अभी मैं इनको काट देती हूँ, काट कर ना फिर इसमें भर देती हूँ हल्दी ऐसे। ये इतनी तीखी तो नहीं है, हाथ जलेंगे तो मैं ऐसे, जैसे शिमला मिर्च नहीं होती वो वाली है, पर यहाँ पे टर्किश बहुत खाते हैं इसलिए बिकती हैं। तो मैं इसकी इनकी सब्जी तो बना नहीं सकती, ज़्यादा कड़वी बनेंगी। मैंने कहा चलो अचार के तौर पे खा लेंगे, साहब खा लेंगे, मैं खा लूँगी, अच्छी लगती है ना। इतने में हमारी बिरयानी बनेगी, ये भी बन जाएगी। भर देती हूँ नमक और कुछ ख़राब हो गए। मैंने सुबह ही सोचा, मैंने कहा आज ये काम भी ख़त्म ही करूँगी। अरमान का मोटरसाइकिल आ गया, वो तो रेडी हो गया, बस उसको चार्ज पर लगाया। तो अरमान को मैं थोड़ी देर बाहर ले गई थी, अभी अलीजा अवलीन है उसके साथ, तो जब आएंगे फिर वो चलाएगा। वो बहुत रो रहा था, मेरे को पता नहीं था कि बनाने में इतना टाइम लगता है। मैं पहले छुपा देती, मैंने कहा आया खुश होगा ना, पर बहुत टाइम लगा। यहाँ पर ऐसी चीज़ आती है उसको खुद बनाना पड़ता है। थोड़ा सा तेल गर्म करके उसको मिर्ची को डाल देते हैं और बन जाएगी, बिरयानी के साथ खाएंगे। मौसम अच्छा तो कपड़े भी सूख जाएंगे आज तो, बीच में लगा था ख़राब हो गया, बारिश आने लगी, पर अब ठीक है। थोड़ी देर बाद चलते हैं अलीजा अवलीन के पास, देखते हैं अरमान बाबा क्या करते हैं, उसको लेकर आते हैं। पहले मैं ये अचार बना दूँ। मैंने मिर्चों को भर लिया और अभी हम तेल में छोड़ देंगे उनको धीरे धीरे करके।
सभी को छोड़ देते हैं, पक जाएंगी थोड़ी देर में। हमारी मिर्ची बन रही है, कुछ बन गई है, मैंने ऐसे निकाल दी है, देखिए अच्छी तरह से पक जाए। ये बन गई है देखिए, इसको मैं रख देती इधर, जो थोड़ी बहुत रह गई वो भी पक जाए। बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, खाने में तो मिनट लगेगा। और मैंने इधर ना नींबूओं को भी थोड़ा सा किया, मैंने कहा थोड़े से नींबू बना देंगे बाद में, साहब को अच्छे लगते हैं नींबू अचार में। मैंने नमक और लगा के रख दिया, हल्दी मिर्चों के बाद मैं नींबू कर दूंगी। मिर्ची तो लगभग हो ही गई है बस। हरी हरी मिर्ची खाओ। देखिए ये गरम गरम खाता है ना रोटी पर रख के, उसका टेस्ट बहुत ही अलग है। और हमारे नींबू भी बन गए, बस इनको मैं निकाल दूँ। फिर हमारा चार रेडी है, कब से पक रहे हैं, एक साइड में करेंगे, साइड में नींबू, एक साइड में बहुत मसाला। चलो हमारा चार हो गया रेडी, बिरयानी बन गई है। अभी मैं डाल कर रख देती हूँ बच्चों के लिए, और उनको बुलाते हैं आकर खा लेंगे। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, अभी साहब खाकर बताएंगे कैसी बनी। पहले मैं अलीजा अवलीन के लिए डाल दूं, उनकी आज क्लास है। मैंने अरमान के लिए डाल दी दही के साथ, अलीजा की ठंडी कर दी, और अवलीन की उनको बुलाकर लाते हैं, फिर करते हैं डिनर। जैसे हम नॉर्मल बिरयानी नहीं बनाते, बनाई वैसे ही, सब कुछ मैंने वही डाला है सारा सामान। पर बस मैंने चिकन को थोड़ा सा पकाया, और चावल पहले नहीं पकाए, बीच में ही डाल दिए। और जितना पानी डालना हम नॉर्मल डालते हैं ना चावल में, उतना ही डाला है। मैंने दो गिलास चावल लिए थे, चार गिलास डाले, पर परफेक्ट बनी है। अरे बच्चे आ गए हैं तो जल्दी से करके डिनर, लीजा ने ऑनलाइन क्लास लेनी, आ गए ना, आ गई घंटी। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आपकी क्लास है, खा लो, आ जाओ। कहाँ खेल रहे थे? वहाँ पर ही छोटे छोटे प्ले ग्राउंड में। वो तो बना नहीं अभी तक? नहीं, पर वो अरमान वो साइकिल के साथ। अच्छा, अभी आ रहे हैं वो भी? नहीं, वो तो खेलते हैं। वो मैंने तो ठंडी कर दी उनकी। चलो कोई बात नहीं, आप खा लो, आ जाएंगे वो, हम माँ बेटी खा लेते हैं, है ना, और क्या कह सकते हैं। अलीजा आप ले लो, मैं ले लेती हूँ, अरमान की ठंडी कर। ये आपकी बेटा, खा लो। ये है मेरी प्लेट, मैंने अलीजा को दे दी है, माँ बेटी खा रही है। अरमान खेल ही रहा, आया ही नहीं अभी तक, वो थोड़ी देर बाद आएगा, उतने में मैं ही खा लूँ, ठंडी हो रही है ना। अलीजा से पूछते कैसे बनी है आज, पापा नहीं है। बहुत अच्छा बना गाइस। अच्छी बनी है, खा लो फिर। मैं आ गई हूँ घर पर, और अलीजा ले रही है अपनी क्लास। वो तो कर रही है अपनी क्लास, और मैं जाकर कपड़े उतारती हूँ, कपड़े रह गए। अरमान तो खेलने में बिजी है, वो अभी नहीं आएगा, 10-15 मिनट बाद आएगा। तो फिर अलीजा भी जाएंगी कराटे पर, आज है मंडे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते कल एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, लव यू गाइस, बाय बाय।